वेलकम बैक टू माय चैनल टेग्राफर। सो गाइस, iOS 18 का जो पब्लिक बीटा 3 का अपडेट था वो मैं बीते 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रिव्यू दूंगा कि ये जो iOS 18 का पब्लिक बीटा 3 अपडेट आया है ये आपके डिवाइस के लिए कैसा है, एट द सेम टाइम इसका परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बग्स एंड इशूज़ जो है वो ठीक किया गया है या नहीं, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखना। तो फर्स्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ iOS 18 बीटा 3, तो इसमें जो सबसे मेजर चेंज इस बार आया था दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ सफारी ब्राउजर। तो सफारी में जाके कोई भी अगर पर्टिकुलर कोई सेक्शन हो सकता है आपका कोई पैराग्राफ हो, इवन कोई इमेज हो या फिर कोई वीडियो हो या फिर एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको वो डिस्ट्रैक्ट करता है तो उस चीज़ को जो है अभी आप यहाँ से हटा सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 3 डॉट आपको देखने मिल जाते हैं। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम। इसमें आप जैसे टैप करोगे जो भी पोर्शन या फिर जो भी इमेज आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके रीडिंग के लिए या फिर आपके पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, सिंपली आप यहाँ पर जो है हाइड कर सकते हो एंड वहाँ से पर्टिकुलर जो चीज़ है, पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है, इवन द इमेज, वो जो यहाँ पर हट जाता है, रिमूव हो जाता है। एंड सिमिलरली मैं अगर चाहूँ तो ये जो इमेज है इसको भी हटा सकता हूँ, सिंपली मुझे हाइट पे यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद देख सकते हो इमेजेस जो है वो चला जाता है। उसके बाद मुझे यहाँ पर डन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद आप देख सकते हो जितने भी मैंने यहाँ पर इमेज जो हटाया है वो दोबारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए यहाँ पर दिखाएगा नहीं। तो ये जो एक फीचर है हाइडिंग या फिर डिस्ट्रैक्टिंग आइटम हाइड, ये आपको एक इंक्लूजन जो है इस अपडेट के साथ किया गया है। एंड आई एम रियली हैप्पी क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर वेब ब्राउजर या फिर वेब सर्फिंग जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड कुछ समय तो ऐसा होता है कि जो आपका पर्टिकुलर कोई एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाता है, इन दैट केस ये जो फीचर आपका डिस्ट्रैक्टिंग आइटम का ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एंड इसमें अगर आप चाहो तो जितने भी आप हाइड किए हो जो भी यहाँ पर डिस्ट्रैक्टिंग आइटम उसको आप शो भी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है हाइड डिस्ट्रैक्टिंग का जो फीचर्स है आपको यहाँ पर सफारी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स पर दिया गया है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ होम स्क्रीन। होम स्क्रीन में अगर आप जाओगे, एडिट पे टैप करोगे तो आपको अभी एक एडिट पेजेस का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। ये एक नया जो है इंक्लूशन आपको इस अपडेट के साथ आपको दिया गया है। साथ ही में अगर आप फिर से जाते हो एडिट पे, कस्टमाइज पे, तो इसके पहले जो आइकन, डार्क, लाइट, ये सब जो आपका अरेंजमेंट था इस बार थोड़ा सा इस बार चेंज किया गया है। अभी आप देख सकते हो जो अरेंजमेंट है पहले लाइट है, देन डार्क, उसके बाद ऑटोमेटिक एंड देन टिंटेड, इसके पहले थोड़ा सा दूसरा था। अगला जो चेंज है वो देखने को मिला है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में देख सकते हो अभी जो आइकन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर जो स्क्रीन जो मिररिंग है इसका जो आइकन है वो थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद बैटरी जो सेवर है उसका भी थोड़ा सा आइकन चेंज है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक बग था, शायद आप यहाँ पर जानते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते थे शॉर्टकट्स के ऊपर, यहाँ पर सेटिंग्स में एक बग था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क टाइप का कुछ यहाँ पर आइकन जो दिखाता रहता था, उस चीज़ को जो है इस बार आपको हटाया गया है, कुछ आपको देख सकते हो। तो ये छोटा सा यहाँ पर माइनर चेंज जो है आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस देयर आर माइनर यहाँ पर जो चेंजेस है वो आपको देखने को मिलता है, जो कि मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो लाया हूँ फीचर्स में, तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द यहाँ पर परफॉर्मेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इन दी iOS 18 पब्लिक बीटा 3, तो परफॉर्मेंस जो है बहुत दिनों के बाद मुझे थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। एंड नॉट ओनली इन द प्रैक्टिकल यूजेज या फिर स्क्रोलिंग में, एनिमेशन में, स्मूथनेस में, बट ऑल्सो इन दी Geekbench 6 स्कोर। तो Geekbench 6 का जो स्कोर है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, CPU का स्कोर, CPU हिस्ट्री। तो अभी आप देख सकते हो जो सिंगल स्कोर है और जो मल्टी स्कोर है ये थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक बीटा 2। पब्लिक बीटा 2 में थोड़ा जो सिंगल स्कोर था और जो मल्टी स्कोर था वो थोड़ा सा कम था एज़ कम्पेयर टू द पब्लिक बीटा 3। एंड दिस कैन बी सीन इन दी प्रैक्टिकल यूजेज ऑल्सो। प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पर देखा है एनिमेशन में, स्मूथनेस में थोड़ा सा यहाँ पर और ज़्यादा सुधार जो है आया है इन द पब्लिक बीटा 3। एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ, तो लेट मी गो टू द बैटरी स्टैटिस्टिक्स। तो मैं चलता हूँ अपना सेटिंग्स में बैटरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी हेल्थ, बैटरी हेल्थ आप देख सकते हो साइकिल काउंट है 2237 एंड जो मैक्सिमम कैपेसिटी है दैट इज 100%। सो आई एम रियली हैप्पी कि इवन आफ्टर मल्टीपल बीटा अपडेट्स मैक्सिमम कैपेसिटी अभी भी 100% है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्क्रीन ऑन टाइम, तो स्क्रीन ऑन टाइम थोड़ा मुझे जो है पहले से बेहतर मिल रहा है। यहाँ पर ऑन एन एवर जो है स्क्रीन ऑन टाइम मुझे 7 घंटे से ऊपर मिल रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्टैंड बाई टाइम या फिर स्टैंड बाई बैटरी। अभी आप देख सकते हो रात के जो है यहाँ पर ग्रेजुअली बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज होता है बैटरी, रादर यहाँ पर इसके पहले जो था पब्लिक बीटा 2 में उसमें स्टीप यहाँ पर डिक्रीज होता था बैटरी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बैटरी जो है ड्रेन हो रहा है। एंड इसमें क्या होता है कि स्क्रीन ऑन डे टाइम है उसमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प मिल रहा है। एंड एज ए सेट ऑन एन एवरेज डे टू डे लाइफ के बेसिस में अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो अगर आप ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह देखते हो तो आपके यहाँ पर 7 से 7.5 घंटा जो है स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बग्स इशूज, तो गाइस लुक iOS 18 के जो पब्लिक बीटा 1 एंड पब्लिक बीटा 2 का जो अपडेट था उसमें एक यहाँ पर बग था दैट वाज रिलेटेड विद द फ्लिकरिंग ऑफ ब्राइटनेस।
यानी ब्राइटनेस ठीक से यहाँ पर काम नहीं कर रहा था, मैनुअली एडजस्ट करते तो भी ब्राइटनेस ठीक से काम नहीं करता था। लेकिन अभी मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि आउटडोर के यहाँ पर खास तौर पे ब्राइटनेस जो है अच्छा हो गया है, एंड कोई भी किसी भी तरीके का जो फ्लिकरिंग जो पहले देखने मिलता था वो चीज़ यहाँ पर जो महसूस नहीं हुआ है एटलीस्ट मुझे। एट द सेम टाइम मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस किया था बैटरी के सेक्शन पे, यहाँ पर जो बैटरी आपका जो चार्जिंग लिमिट होता है, जैसे कि मैं हमेशा 80% पर सेट करके रखता हूँ, वो चीज़ पहले जो है काम ठीक से नहीं कर रहा था। जैसे कभी कभी 82, 85, 86 यहाँ पर जो परसेंट है वो चार्ज हो जा रहा था, लेकिन अभी जो है अभी आप देख सकते हो प्रॉपर 80% पर काम कर रहा है। पहले जब भी होता था तब मैंने क्या करता था कि यहाँ पर जो पावर ऑफ है या फिर जो स्विच ऑफ है या फिर रीस्टार्ट करता था, पर देन ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन पब्लिक बीटा 3 में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जो आपका चार्जिंग जो लिमिट है वो ठीक से यहाँ पर जो है काम कर रहा है। सो दिस वाज अबाउट द परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ, एट द सेम टाइम बग्स एंड इशूज। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट अपडेट जो कि अपकमिंग अपडेट है iOS 18 का, दैट इज पब्लिक बीटा 4, एट द सेम टाइम डेवलपर बीटा 6, तो उसका जो डेट यहाँ पर जो है वो निकल के आया है, दैट इज अपकमिंग मंडे 12 अगस्त को हो सकता है कि डेवलपर बीटा 6 का जो अपडेट है वो यहाँ पर मिल सकता है आपको। एट द सेम टाइम पब्लिक बीटा जो 4 है गाइज वो होपफुली यहाँ पर 13-14 यहाँ पर जो अगस्त है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। इफ़ नॉट देन फॉर श्योर 19 अगस्त को जो है पब्लिक बीटा 4 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है फॉर ऑल दी एलिजिबल आईफोन्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिव्यू रिगार्डिंग द iOS 18 बीटा 3 जो कि आपके आईफोन की रिलीज हो चुका है 2-3 दिन पहले, एंड मैं उसको यूज़ भी कर रहा हूँ। सो आई होप ये जो वीडियो आपको पसंद आए, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग द iOS 18 बीटा 3 या फिर डेवलपर बीटा 5, तो डू लेट नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, मैं मिलता हूँ और वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड स्टे सेफ।